एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, विधायक राजेश शुक्ला को सपा से निष्कासित कर दिया गया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निष्कासित किया गया है। राज्यसभा चुनाव में पार्टी व्हिप के खिलाफ मतदान किया था, तो विधायक राजेश शुक्ला को सपा से निष्कासित कर दिया गया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निष्कासन हुआ है। राज्यसभा चुनाव में पार्टी व्हिप के खिलाफ मतदान किया था और पार्टी विरोधी गतिविधियां ऐसे मानी गई जिसके चलते उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। विशेष संवाददाता विजय मानके हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। विजय, जिस तरीके से राजेश शुक्ला को निष्कासित कर दिया गया है, क्या कुछ वजह इसके पीछे बताई जा रही है? देखिए, राजेश शुक्ला समाजवादी पार्टी से पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निष्कासित किए गए हैं। समाजवादी पार्टी ने कुछ देर पहले एक ट्वीट करके ये जानकारी दी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के एकमात्र विधायक वो मध्य प्रदेश से थे, बिजावर सीट से उन्होंने इस पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीता था। सवेरे जब मेरी उनसे खुद बात हुई थी, मैंने उनसे कहा था कि क्या पार्टी ने कोई व्हिप जारी किया था, आप उनको भी बीजेपी को समर्थन देना है, तो उनका ये कहना था कि उन पार्टी की तरफ से उन्हें कोई दिशा निर्देश नहीं मिले थे कि किसका समर्थन राज्यसभा चुनाव में करना है, और इसी वजह से उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास को देखते हुए, क्षेत्र की जनता ने जो उन्हें विधायक बनाया है, तो सरकार के साथ वो इसीलिए गए क्योंकि उन्हें अपने क्षेत्र का विकास करना है। तो मैंने उनसे ये भी पूछा था कि यदि पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते कोई कार्रवाई होती है, तो उनका ये साफ कहना था कि वो अपनी तमाम सारी दलीलें रखेंगे पार्टी के सामने कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन लगता है कि पार्टी ने उनकी दलीलें सुनने से पहले ही उन्हें निष्कासित कर दिया है और पार्टी विरोधी गतिविधियों का जो चार्ज है वो उन पर लगाया गया और इसी वजह से उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया। जी बिल्कुल विजय, और वो हम ट्वीट भी ये देख सकते हैं जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश के बिजावर से सपा विधायक राजेश शुक्ला को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निष्कासित किया गया है। और जिस बातचीत का विजय जिक्र कर रहे हैं वो भी हम अपने दर्शकों को सुना देते हैं, उसका कुछ अंश की आखिर क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुने। हमारे साथ इस समय समाजवादी पार्टी के विधायक हैं राजेश शुक्ला जी, और वो पहले ही समर्थन दे चुके थे, आप डिनर में भी पहुंचे थे बीजेपी के, तो अब ये साफ हो गया है कि आपने किसको वोट दिया? निश्चित तौर पर भाजपा के प्रत्याशी सुमेर सिंह जी सोलंकी को मतदान करके आया हूँ। चूंकि हम बहुत पिछड़े क्षेत्र से आते हैं और जनता ने बहुत ही उपेक्षाओं से चुन के भेजा है, तो सरकार के साथ जाना उचित समझा, क्योंकि क्षेत्र का विकास तभी संभव है जब सरकार में रहे। लेकिन ये सवाल उठता है कि राजनीति में कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब आप उनके साथ थे और अब बीजेपी की सरकार है तब उनके साथ थे, तो एक भरोसे वाली जो बात होती है, क्या वो संकट नहीं रहता? नहीं, मैं 15 महीने उस सरकार में भी रहा और उस सरकार के मुखिया जानते हैं, मैं पूरी निष्ठा के साथ उनके साथ रहा, चूँकि ये सरकार हमने तो गिराई नहीं, जो उन्हीं के लोगों ने सरकार गिराई, आज हमारा उसमें कोई दोष नहीं। अच्छा, एक बात और कि समाजवादी पार्टी की तरफ से आपको कोई व्हिप जारी हुआ था कि किसे वोट करना है क्या नहीं करना? नहीं नहीं, कोई व्हिप जारी नहीं हुआ, बाकी ना कोई संपर्क हुआ, केवल क्षेत्र के विकास के हित में अपनी अंतरात्मा से सोचा कि सरकार के साथ रहना ही उचित है। तो ऐसे में कुछ आलाकमान नाराज हुआ तो? अब चूंकि नाराजगी की तो बात है, निश्चित तौर पर अब देखेंगे। मतलब आप तैयार हैं यदि कुछ ऐसी स्थितियां बनती है? नहीं नहीं, उन्हें भी अपना पक्ष रखेंगे, क्योंकि हम बहुत पिछड़े क्षेत्र से आते हैं और जनता ने बड़ी आशा के साथ चुन के भेजा है और विकास बहुत जरूरी है, क्योंकि चलिए